नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 35G वर्सेस इकोनियो 65G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो एज 35G में 6.27 इंच जबकि नियो 65G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो एज 35G में 2.92 इंच जबकि नियो 65G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो एज 35G में 0.26 इंच जबकि नियो 65G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि एज 35G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो एज 35G में 155 ग्राम्स जबकि नियो 65G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि एज 35G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो एज 35G में OLED जबकि नियो 65G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो एज 35G में 6.5 इंचेस जबकि नियो 65G में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एज 35G में 86.3% जबकि नियो 65G में 85.3% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो एज 35G में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि नियो 65G में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो एज 35G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और नियो 65G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो एज 35G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और नियो 65G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो एज 35G में Adreno 642L जबकि नियो 65G में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो एज 35G में Qualcomm Snapdragon 778G Plus और नियो 65G में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें RAM की तो एज 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB की रैम मिलती है जबकि नियो 65G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो एज 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि नियो 65G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी एज 35G में 4020mAh जबकि नियो 65G में 4700mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो एज 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जो कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें न्यू 6 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 33,490 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला H35G में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें एकू न्यू 6 5G की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में H35G आगे है, मेन कैमरा में न्यू 6 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में न्यू 6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है, दूसरा वीवो X60 है, तीसरा रियलमी GT 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9R है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।